नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रिपल एस न्यूज में। मैं उस्मेश्ता विश्नोई। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहर दिल्ली। भारत और चीन झड़प में घायल राजस्थान का जवाब सुरेंद्र 15 घंटे बाद आया होश में। लॉकडाउन के बीच फिर से शुरू हुई परीक्षाएं। बुलेट ने जारी की अपनी नई मॉडल। लॉकडाउन के बाद आदिवासी इलाकों में फिर शुरू हुई बच्चों की तस्करी, मजदूरी के लिए भेज रहे गुजरात। राजस्थान में 3 दिन बाद प्रदेश में दस्तक देगा मानसून, अभी जारी रहेगी गर्मी। बीकानेर में मिले 5 नए कोरोना पॉजिटिव। सूरतगढ़ कस्बे में मिला कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से बीकानेर में आज 8वीं मौत। आइए शुरुआत करते हैं विस्तार से। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश दिल्ली। आज की आई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 12,881 पॉजिटिव, 334 मौत। दिल्ली में लगातार कोरोना प्रभावित की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस पर राज्य सरकार ने बहुत ही गंभीरता धारित करते हुए नियम लगाए हैं। दिल्ली में ट्रेन में भी ICU बना दिए हैं। भारत और चीन झड़प में घायल राजस्थान का जवाब सुरेंद्र 15 घंटे बाद आया होश में। सुरेंद्र भारत और चीन झड़प में घायल होने के बाद में 15 घंटे के बाद में आया होश में। फिलहाल आ रही खबर के अनुसार वह अभी सुरक्षित है। लॉकडाउन के बीच फिर से शुरू हुई परीक्षाएं। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं व 12वीं की शुरू हो चुकी है। आज गणित का एग्जाम था। बच्चों को नियमित दूरी व सैनिटाइजमेंट और मास्क के साथ में परीक्षाएं जारी कर रहे हैं। परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का अधिक ध्यान रखा गया है। बुलेट ने जारी की अपनी नई मॉडल। बुलेट ने अपनी नई मॉडल 350 जारी कर दिया है। तो उसका इंजन 335 भी है। लॉकडाउन के बाद आदिवासी इलाकों में फिर शुरू हुई बच्चों की तस्करी, मजदूरी के लिए भेज रहे गुजरात। राजस्थान के उदयपुर में लोग बच्चों की तस्करी जारी कर रहे हैं, मजदूरी के लिए उन्हें भेजा जा रहा है गुजरात। राजस्थान में 3 दिन बाद प्रदेश में दस्तक देगा मानसून, अभी जारी रहेगी गर्मी। आज बीकानेर में मिले 5 कोरोना पॉजिटिव। बीकानेर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सूरतगढ़ कस्बे में मिला कोरोना पॉजिटिव। सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 45 में आज मिला एक कोरोना पॉजिटिव। बीकानेर में कोरोना से लगातार मौतें होती जा रही है। आज बीकानेर में कोरोना से 8वीं मौत हो चुकी है। भारत का कोरोना काउंट। कुल मामले 367,448। कुल मौतें 12,237। ठीक हो चुके 19,432। सक्रिय मामले 160,384। ताज़ा खबर सबसे पहले देखने के लिए ट्रिपल एस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।